ये लग रहा है कि मरा हुआ है। जो है हाजीपुर स्टेशन पे हम लोग आउट 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 है। हम लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंचे हैं। जवान धीरे धीरे डरते जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में, और आज का जो ब्लॉग रहेगा बहुत यूनिक रहेगा। ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ आप सभी को पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और मैं एक छोटा सा किसान हूँ और छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो गाइस सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है कंटिन्यू कर। अभी जो है हम पाटलिपुत्रा स्टेशन पर हैं, और देखिए ये रहा पाटलिपुत्रा स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ। एक छोटा सा जर्नी में जाने वाले हैं जो जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस रहेगा। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर एक है, और प्लेटफॉर्म ठीक ही है मगर अभी भी बहुत सारा काम है जो प्लेटफॉर्म एक पे बचा हुआ है। और इधर ये भी आराम से सोया हुआ, सुकून की नींद में सो रहा है ये। और यहाँ पे तीन प्लेटफॉर्म है, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। और इधर देखिए मालगाड़ी भी लगी हुई है, और उधर एक पैसेंजर भी लगी हुई है। देखिए पैसेंजर लगी हुई है, अब प्लेटफॉर्म सही है इसके। इधर जो है प्लेटफॉर्म का हालत देख सकते हैं आप, इधर जबरदस्त और मस्त है। इधर देखिए स्टेशन पे साफ करने का काम जोरों शोरों से चल रहा है, और पूरा क्लीन किया जा रहा है स्टेशन को। और पहले पानी से देख के झाड़ू दिया गया है, और उधर देखिए इधर मशीन जो है मशीन से पोछ लगाया जा रहा है। नया ओवरब्रिज बना है, और नीचे एक ट्रेन लगी हुई है पाटलिपुत्रा गोरखपुर। तो अभी हम ऊपर ही बैठ के, और ये बिहार का स्पेशल चीज ली है भुंजा, क्योंकि अभी ट्रेन आने में करीब एक से डेढ़ घंटा है, मगर स्टेशन जबरदस्त है। 2015 से बन रहा है, तब पर भी इसको और तैयार हो जाना चाहिए था मगर अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए आगे हो ही जाएगा। का जो काम है वो देखिए कितना फास्ट हो रहा है। अभी एक पाइप को ले जा रहे हैं लोग ऊपर, जो छावनी है उसको ढकने के लिए जुगार करके, क्योंकि आदमी कम है और इस बड़ा सा पाइप है, इसको ले जाना है। लग रहा है कि मरा हुआ है मगर ये सोया हुआ। ट्रेन आएगी जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, और उसके बीच में ये सोया हुआ, इसको ना डर है। जो कहा जाता है ना, जो मजा है सोने में, बाकी और दुनिया के कोई कोने में नहीं मजा नहीं। और पूरे डेढ़ घंटे के इंतजार के बाद अभी जो है ट्रेन आई। 2:30 बजे हम आ गए थे, और अभी जो टाइम हो रहा 3:55, उसके बाद वो अभी जाके इधर से आ रही है। कुत्ता बैठा हुआ, इन लोगों को तो डर ही नहीं लगता, और आवाज़ सुन के हट गया। धीरे धीरे पास आ गए, एसी कोच जो है आ गया फर्स्ट में ही, एसी कोच है। और बाकी जनरल जो डब्बा होगा वो पीछे होगा, देखिए एसी कोच है। और अभी जाके अनाउंस कर रहा है, बताइए स्टेशन पे ट्रेन आ जाने के बाद अनाउंस कर रहा है। और ये मिरर है, और ट्रेन है वो खुल चुकी है देखिए। और ये जो है नया ट्रैक बना हुआ है, एकदम नया ट्रैक है, और देखिए इस पे अभी काम आगे जो दिखाया हम चल रहा है। और ये जो ट्रैक है ये भी मुजफ्फरपुर ही जाएगी, और इधर शहर का व्यू देखिए सब पाटन। धीरे धीरे जो है स्पीड अपना कम जो है दिखा रही है, और अब लास्ट होगी मैं। और जो गंगा नदी पे बनी हुई है, और इधर जो है स्कूल से आप सोनपुर छपड़ा बाई रोड, बाई बस या बाई कोई भी कार से फोर व्हीलर जो भी जा सकते उधर से। और ये रहा पुल पे धीरे 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 धीरे, और वो रहा दीघा पुल जिससे हम आज क्रॉस करेंगे। और दीघा पुल का ये खासियत है कि
इसके नीचे से ट्रेन और ऊपर से रोड बना हुआ है ऊपर से, और नीचे हम लोग जाके और उसमें इन करेंगे और उसके ऊपर जो है पुल बना हुआ है। तब ये दीघा पुल का दो फायदा है, और वो देखिए बच्चा लोग मस्ती भी कर रहा है। दीघा पुल का एक फायदा क्या है, एक पुल पे दो फायदा क्या है कि एक नीचे से ट्रेन क्रॉस करती है और ऊपर से जो है गाड़ी। जय गंगा माँ। इधर आपको दिखाना चाहेंगे जो पटना में पूरे चारों तरफ शहर का जो ब्रिज बन रहा मतलब है, दीघा पुल में हम लोग इन कर चुके हैं और आवाज बहुत ज्यादा कर रहा धक 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 धक। और ये गंगा माँ हुई, जय गंगे माँ, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। उधर रोड चला गया और हम लोग इधर आ गए, और गंगा नदी से बचने के लिए चारों तरफ यहाँ देखिए बांध भी बनाया हुआ है, चारों तरफ चल गया। और वो देखिए रोड वाला पुल जो उधर टक गया और वो सोनपुर में आ गया। अभी हम लोग सोनपुर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ स्टॉपेज नहीं है इसका, देखिए रुकता है कि क्या, कि अभी धीरे धीरे ट्रेन जो है निकल रही है। अभी जो हम लोग हाजीपुर स्टेशन पे रुके हुए हैं, यहाँ पे इसका इंटरसिटी जो है इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है और 2 मिनट में खुल जाती है। वहाँ पे हम बैठे हुए वहीं पे बैग है, हाजीपुर का सबसे ज्यादा मशहूर किला है। अभी जो है ट्रेन कम से कम 80-90 की स्पीड में चल रहा है, एकदम अपना दम जो है दिखा रहा पूरा। इधर से तो स्लोली स्लोली आ रहा था, अभी वो पूरा दम फास्ट चल रहा है, गर्दा उड़ाए हुए है। सूरज भगवान धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं, देखिए व्यू जो है मस्त लग रहा है, सूरज भगवान जो ढल रहे हैं धीरे धीरे। और अगला जो स्टेशन है भगवानपुर स्टेशन है जो है, हम लोग मुजफ्फरपुर के पास आ गए हैं। और ये जो है मंदिर हुआ, और ये जितने भी देख रहे हैं सब रेलवे के क्वार्टर है, और पास आते ही ट्रेन जो है हॉर्न देना शुरू कर दिया। और ये देख दो साइड पटरी और बीच में क्रिकेट चल रहा है, और पटरी पे बच्चा लोग दौड़ भी रहा है। और ये आउट क्लीन बोल्ड आउट है, आउट है, आउट है, वो भाई जी बोल्ड हो गए। मुजफ्फरपुर जंक्शन, अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन आ चुके हैं। अब यहाँ से 2 स्टेशन और हमको जाना है, और छोटा सा यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ मुजफ्फरपुर जंक्शन हिंदी इंग्लिश और उर्दू में। पैसेंजर यहाँ भी खड़ा है। अभी जो है 6:05 हो रहा है, और अभी हम लोग मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुँचे हैं। और देखिए चारों तरफ है मुजफ्फरपुर का व्यू, अच्छा खासा भीड़ है यहाँ पे भी। और यहाँ से करीब हमको दरभंगा जाने में 2 घंटा का समय लगेगा, और यहाँ से दूसरा स्टॉपेज जो है दरभंगा स्टेशन रहेगा। तो चलिए चलते हैं, बोल देते हैं। और ये एक देखिए लोकोमोटिव भी यहाँ पे भी एक लगा हुआ, और ये है बाय बाय मुजफ्फरपुर। ये रहा समस्तीपुर जंक्शन, दरभंगा स्टेशन पे उतर चुके हैं। और ये रही इंटरसिटी जयनगर पटना इंटरसिटी, इधर से बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ 4.5 घंटा पटना से लेकर और दरभंगा तक आने में हमको इस ट्रेन से लगा। और करीब 200 किलोमीटर का सफर जो है मैंने सफर किया और 4 घंटा में किया, एवरेज ऑन एवरेज 50 किलोमीटर स्पीड से ये ट्रेन चली। तो आप सब बताइए कहिएगा कि पाटलिपुत्रा से और दरभंगा तक का सफर ये पूरा कैसा रहा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और गाइस सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय जवान, जय किसान।